हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हुंडई क्रेटा जो है 2024 मॉडल है, जिसे कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है। आप इसे देख सकते हैं, कंपनी ने इसमें काफ़ी जो है आगे से फ्रंट से बहुत ही एसयूवी अपील देने के लिए, बूच स्टांस देने के लिए इसमें पैरामैट्रिक्स रेडिएटर ग्रिल दिया है, जो कि ब्लैक क्रोम के साथ है। काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। और ऊपर देख सकते हैं ये हुंडई का जो करेक्टर लाइन्स है, इसको काफ़ी अच्छे से मेल दिया गया है एरोडायनेमिक के साथ। और इसमें जो इसका साइड लुक देख सकते हैं, ये टॉप मॉडल है और इसमें जो है आपको 17 इंच का एलॉय व्हील दिया हुआ है। 1.5 टर्बो नहीं है, ये नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 है। और इसमें जो है 17 इंच का व्हील है, जेके टायर का दिया हुआ है। प्रोफाइल इसका है, प्रोफाइल इसका हो गया आपको 215/60 है। और ये इसका साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसका रियर व्यू है। ये इसका रियर व्यू हो गया। ऊपर शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है। और कंपनी ने काफ़ी हद तक कोशिश किया है इसको फ्रंट और रियर लुक दोनों में एसयूवी स्टांस देने के लिए, दोनों ही तरफ से सिमिलर लुक को प्रोवाइड किया गया, जिससे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगे। पीछे भी इसमें डार्क ग्रे थीम पे स्किड प्लेट दिया हुआ है। इसका साइड व्यू है, ये 360 डिग्री मिरर का है। ये फ्रंट का स्किड प्लेट हो गया। और ये इसका इंटीरियर हो गया। हालांकि हुंडई जो है इंटीरियर में हमेशा आगे रहती है बाकी कंपनियों से। इसमें जो काफ़ी लग्जरी ब्रांड्स आते हैं, जैसे BMW, ऑडी, मर्सिडीज़, इसमें इंटीग्रेटेड फुली डिजिटल आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और म्यूजिक सिस्टम दोनों इंटीग्रेटेड है। ये मैनुअल वर्सन है, इसमें आपको पार्किंग के लिए स्विच दिया हुआ है, यानी आपको हैंड ब्रेक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली केवल स्विच दबा देना है। फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो व्यू है आप बिल्कुल देख सकते हैं, फुली डिजिटल है, जो कि बहुत ही हाई एंड कार्स में रहता है। और इंटीरियर का भी आप एक लुक देख सकते हैं, सीट पोजिशन काफ़ी अच्छा है, लग्जरी के साथ कंफर्टेबल भी है। और कंपनी ने इसमें ग्रे और बेज और हल्का लाइट ब्लैक देने की काफ़ी कोशिश की है। और ये फ्रेंड्स इसका स्टीयरिंग व्हील है। और इसमें जो है ये इसका म्यूजिक सिस्टम्स का बटन का प्लेसमेंट किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये जो है जिस गाड़ी में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो कि 116 bhp और लगभग 143.8 nm का टॉर्क जनरेट करता है। और ये इसका पैसेंजर सीट हो गया, लेदर सीट्स दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं। ये अभी वार्निंग आ रहा था, जो गेट का वार्निंग आ रहा था। और इसमें ऑटो डिमिंग IRVM दिया हुआ है। और सबसे जो बड़ी इसमें खासियत है, वो मैसिव पैनारोमिक सनरूफ दिया हुआ है आप देख सकते हैं, टोटली जो है फ्रॉम फ्रंट टू रियर टोटली ओपन हो जाएगा इसका सनरूफ। इसका बैक सीट पे बैठ के देखते हैं, लेगरूम तो काफ़ी अच्छा है, लेगरूम, हेडरूम और थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है,
जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में भी चलने में दिक्कत आदमी को इंसान को परेशानी नहीं होगी। और ये इसका रियर सीट्स है फ्रेंड्स, देख सकते हैं रियर में भी काफ़ी जो है स्पेस को काफ़ी अच्छा रखा गया। हालांकि रियर में जो है मिडिल वाला हेडरेस्ट नहीं दिया गया है, सिर्फ दो पैसेंजर को ही मिलेगा हेडरेस्ट। काफ़ी पोस्चर जो है बहुत ही अच्छा है, पीछे भी थाई सपोर्ट और लेगरूम हेडरूम काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं मेरे जैसे 6'1" पे भी जो है हेड से काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है, बिल्कुल ही मतलब आपको एम्पल स्पेस मिलेगा। और ये सीट हाइट जो है वो भी मतलब इसका काफ़ी अच्छा है। ये रियर इसका पार्सल ट्रे है और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रियर एसी वेंट्स दिया गया है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा और सन डायरेक्ट सन से बचने के लिए यहाँ पे सन शेड का आपको यहाँ पे फ्लैप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं नेटेड है पर ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अब इसका फ्रेंड्स देखते हैं इसके बूट में कितना स्पेस है। आइए और ये फ्रेंड्स इसका देख सकते हैं 433 लीटर का बूट स्पेस है जो कि काफ़ी ही लार्ज है और एम्पल स्पेस है। लगेज को ले जाने के लिए आपके पास मोर देन सफिशियंट स्पेस है। और ये इसका रियर व्यू हो गया, साइड इसका प्रोफाइल हो गया और ये इसका आप साइड से टोटल इंटीरियर का देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है इंटीरियर जो है। काफ़ी हुंडई का ऐसे भी इंटीरियर बहुत बेटर रहता है पर कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। ये इसका एम्बियंट लाइट का दिया हुआ स्पेस, आपको रात के समय इसमें लाइट्स छोटा छोटा जलने लगता है जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स इसका देखते हैं हम लोग, अब इसका हम लोग अंडरहुड इंजन को देखते हैं, इंजन बे को खोल के देखते हैं। ये हाँ फ्रेंड्स आप इसका बोनट देख सकते हैं जो इसके इंजन का प्लेसमेंट है, आप देख सकते हैं 1.5 लीटर ये जो है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करती है लगभग 115 BHP और 143.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। काफ़ी वर्सेटाइल इंजन है, आप इसको होंडा सिटी से मिलता जुलता इसका परफॉर्मेंस समझ सकते हैं। हुंडई का पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों काफ़ी लाजवाब रहता है। और ये इसका प्लेसमेंट्स है, ये इसका हो गया आपको क्रम्पल जोन हो गया। क्रम्पल जोन वो होता है जब इन केस यदि आपका व्हीकल किसी गाड़ी से डायरेक्ट टचमेंट होता है तो इसमें काफ़ी जो फोर्स को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेस कंपनी देती है जो कि काफ़ी अच्छा है इसमें। और इसमें इस बार हुंडई ने काफ़ी मेहनत किया है इसके चेचिस पर भी, हालांकि मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन है बाकी उसके बावजूद भी इसके चेचिस को रिजिड किया गया है टफ टेंसाइल स्टील देकर। और इसके बोनट में भी काफ़ी वेट है, पहले से काफ़ी
हैवी है, और ये इसका इंसुलेशन लगा हुआ है जो कि इंजन नॉइस को डंप करेगा। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये जो ग्लव बॉक्स दिया हुआ है ये टोटली मतलब कूल्ड ग्लव बॉक्स है। इसमें आप अपने कोई भी पेय पदार्थ या कोई भी सामान होगा बिल्कुल आप इसको ठंडी रख सकते हैं, और लॉन्ग जर्नी में आप इसको यहाँ पे खाने का सामग्री भी प्लेस कर सकते हैं जो कि मेंटेन रहेगा। और हुंडई ने पहली बार एक और अच्छा चीज़ देने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं, यदि आपको अपना क्वाइन रखना होगा तो आप यहाँ पर इस पे टोटली ही बहुत ही अच्छे से प्लेस कर सकते हैं। मैग्नेटिक दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये स्टेयरिंग व्हील जो है टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है। आप यहाँ से इसका अपना अपने राइडिंग पोस्चर और अपने बॉडी के एर्गोनॉमिक्स के अनुसार आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जो कि आपको ड्राइविंग को काफ़ी इजी और प्लेजरेबल बनाएगा। और इसमें जो है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है जो कि आप अपने अपने ड्राइवर और को ड्राइवर अपने मतलब कंफर्ट के अनुसार अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको SOS के साथ साथ आपको RSA का और ब्लू लिंक का भी लिंक ECM में दिया हुआ है इन केस कुछ मिस हैपनिंग होता है तो।